चुके हैं हम भी शिवालय मंदिर में। तो गाइस देखो काफी भीड़ हो रखी है आज मंदिर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आईसीआर वाले मंदिर में साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाएं, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं। व्यूज नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो ये आईफोन की मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो गाइस पहाड़ी नमक और पहाड़ी का मेहनत, देखो कितनी डार्क लग चुकी है। मेरे पति देव देखो मुझे इतना प्यार करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैंने में स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबी ब्लॉग्स में। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी काफ़ी मस्त हैं। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग, वो भी सुबह के 8:30 बजे। घर के सारे काम वगैरह हो चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता है आज है सावन मास का पहला सोमवार। तो आप सभी लोगों को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे और सभी के दुखों को हर ले। तो आज मेरा भी फास्ट है और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम जाएंगे अभी शिवालय मंदिर। बाकी हमने सारे मंदिरों में जाना है आज, मेरे हस्बैंड भी जाएंगे। तो पहले अपने घर में पूजा कर लेते हैं और चलते। तो आ चुके हैं अपने मंदिर में, अपने मंदिर में भी कर लेते हैं पूजा। बाकी पापा जी ने तो कर ली है पूजा और हम लोग भी कर लेते हैं। सबसे बड़े मेरे महादेव हो, घर वाले मंदिर में हो चुकी है हमारी पूजा और अब हम जा रहे हैं शिवालय मंदिर। हस्बैंड भी आ चुके मेरे। हेलो गाइस, आप सभी को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। पहला सोमवार है आज सावन का, तो सभी लोग शिव की अर्चना में लीन हो जाएं और पूजा करें जवा के दवा की। सो गाइस अभी बारिश भी बंद हो चुकी है और व्यू देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ में लगाई थी मेहंदी कुछ इस तरीके की। पीछे तो मैंने पता नहीं क्या ही बना रहा, क्योंकि मेरे को नींद आ रही बहुत ज़्यादा। तो ये लेके आ गई स्कूटी, काफ़ी देर लगा दी तुमने। तो गाड़ी में तेल कम था और हस्बैंड चले गए हैं पेट्रोल डालने के लिए यहाँ पे। पहुंच चुके हैं हम भी शिवालय मंदिर में। मजा ना घंटी। चलते हैं और करते हैं पूजा। तो गाइस देखो काफ़ी भीड़ हो रखी है आज मंदिर में श्रद्धालुओं की और बाढ़ देख सकते काफ़ी बड़ी हुई है। यहाँ तक पूरा पानी आया हुआ है। तो गाइस पूजा पाठ तो हमारी हो चुकी है और मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है, मतलब बादल छा रखे हैं। दिखाते हैं मंदिर।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं ICR में और यहाँ पे देखो कितनी मस्त खेती हो रखी है और फूल वूल काफी मस्त हो रहे हैं देखो। तो हम लोग जाएंगे भी मतरंगी मंदिर मनादी और यहाँ से हमारे गांव भी दिख रहा है देखो बटेला, ये देखो हमारा घर भी दिख रहा है तो वहाँ पे हमारा घर नहीं दिख रहा, छुप रखा हुआ देखो ऐसे काम हम करें लोग। हाँ हाँ चलो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं ICR वाले मंदिर में, यानी कि अपने वहाँ देवी माता के मंदिर में, क्योंकि शादी के बाद हम कोई भी मंदिर नहीं जा पाए थे इस साइड को, कभी कुछ हो जाया था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम मंदिर पूरे मंदिरों में जाएंगे। और यहाँ देखो मछली का तालाब भी बना रखा है और एक दिन मैंने और दीक्षा ने ना यहाँ से मछली भी पकड़ी थी तब यहाँ पानी पूरा सूख गया था तब मछली पकड़ी थी हमने, मतलब दीक्षा मेरी दोस्त है उसने। और इस साइड को हम सारा घास वास काटने आते थे, काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ यार, काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं घास वास काटना और काफ़ी मस्ती करते थे यार हम सच में। तो पहुँच चुके हैं मंदिर में और चलते हैं और पूजा करते हैं। यह मंदिर काफी सुंदर बना दिया जो चढ़ाते हैं बड़े बड़े लोग मैया, लहंगा जो चढ़ाते हैं साड़ी में पहना दूँ माँ, गरीब गरीब आ जाना साड़ी में पहना दूँ माँ, गरीब गरीब आ जाना छोटी सी झोपड़िया माँ, गरीब गरिया तूने सुने ली मैया को या सुना ला, तूने सुने ली मैया को या सुना ला, के कला गुला मैं दाता मैया हटे कली का, के कला गुला मैं दाता मैया चुकी हूँ अपने गांव के धुनी मंदिर में। तो चलते हैं धुनी मंदिर में और यहाँ कर लेते हैं पूजा। आज पूरा दिन हमने मंदिरों में घूमना है तो काफ़ी अच्छा है, सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि सारे मंदिरों में जाने का मौका मिल रहा है। तो चलते हैं। तो गाइस अभी पहुँच गए हैं हम घर, मतलब कि अपने ससुराल, और अभी पूजा अर्चना करते हैं घर के मंदिर में, उसके बाद ऊपर गोलजू के मंदिर में जाएंगे। तो गाइस घर के मंदिर में पूजा करने के बाद अभी आ चुके हैं हम अपने गाँव के गुरु देवता के मंदिर में और यहाँ पे है हमारा प्राइमरी स्कूल जहाँ हमने 1 से लेके 5 तक पढ़ाई करी थी। तो चलते हैं मंदिर में। जी रहे रामा गुंजू और इनकी पूजा भी हमने कर दी है, भगवान सबका भला करना। तो गाइस पूरे मंदिरों में जला दिया है दिया और अब पहुँच चुके हैं हम घर और यहाँ पे हमारा आयुष भाई हमारे लिए फ्रिज का ठंडा पानी लाते हुए जो पूरा जमा हुआ है और पानी देखो निकल भी नहीं रहे। इधर तो देख ले जबरू बाम स्मेल करते हुए देखो इसको और काफी स्मार्ट लग रहा है। तो गाइस देखो मेरी मम्मी लेके आ गई है ककड़ी छोटी छोटी और वैसे ककड़ियाँ नहीं हुई थी, अपने जवाई राजा के लिए लेके आ गई है क्योंकि उनको बहुत पसंद है, पर मेरे इसमें नमक मत डालना क्योंकि मेरा फास्ट है, मेरे को ऐप पहले काट के दे देना अलग। क्या कहना चाहोगी मम्मी? हेलो गाइस कैसे हो आप? बड़ो प्रणाम, छोटो प्यार, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको सबको बधाई। यहाँ पे जवाई राजा आराम से देखो लेट चुके हैं, सो चुके हैं, कह रहे हैं तुम जाओ घर को, अब मैं यहाँ आराम सो के आऊँगा। सो रहे यहीं हैं? यहीं सो रहे हो? तुम्हें यहीं अच्छा लग रहा? तुमको ससुराल में अच्छा लग रहा? तुमको अच्छा लग रहा? ये देखो काट दिया मम्मी ने। देखो गाइस पहाड़ी नमक
और पहाड़ी ककड़ी। चाय पानी पी लिया है मैंने, मम्मी ने चाय भी बना दी है, ककड़ी भी खा ली है और अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं। और आज बड़ी मुश्किल से मम्मी आज घर में टिकी हुई है, आज गोला चलते हैं घर को। मम्मी देखो मेरे को प्यार कर रही है। और अब मैं जाऊँगी दुकान, मेरे हस्बैंड जी मुझे छोड़ेंगे दुकान क्योंकि दीदी अकेले वहाँ पर, काम भी ज़्यादा ही है आजकल थोड़ा सा। और ठीक है, बाय बाय, काम कम कम करना। हाँ ठीक है, और घर में आराम से सोए रहना। अच्छा, और मस्ती करना। घास कौन काट के लेके आएगा? गाय बाछी तो एक घास काट देना यहाँ से, खेत से बस। बैल बाद रखा है, गाय बाद रखी है, वैसे मिल जाते हैं दूध। हाँ फाइनली गाइस, मैं भी पहुँच चुकी हूँ दुकान और अभी टाइम हो चुका है 1:23। तो मैंने सोचा घर में भी क्या ही करूँ, इसलिए दुकान चले जाते हैं। और यहाँ देखो दीदी दुकान में क्या कर रही थी। और सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। और काफ़ी सुंदर लग रही है आज, देखो। थैंक यू सो मच। निम्मी से कम लग रही होंगी? नहीं, निम्मी से ज़्यादा सुंदर लग रही। चलन नहीं ना जियो सिम में, तो आइडिया का समय में ये तो नहीं, उसे डाल लो तो लगान का खर्चा कर लो। मैं 350 रुपया खर्चा आ तो बस मेरे पास आ गया था काम, और काम भी मैंने कर लिया है। और दीदी के पास भी आया था काम, वो भी काम में बिजी हो रही थी। तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 4, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह बारिश हो रही थी, उसके बाद थोड़ा सा बंद हुई, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब एकदम उमस सी हो रही है। टाइम भी हो चुका है शाम के 6:30 और दुकान का काम भी हो चुका है, और आज का दिन भी काफ़ी मस्त रहा। तो अब चलते हैं घर, और आज चाय वगैरह भी कुछ नहीं पिए हमने, तो घर जाके पियेंगे। और आज ना मतलब फास्ट है, और बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि हमारा फास्ट है। मतलब जैसे और दिनों हम जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं, थोड़ा देर हो जाती तो लगता है ना कि हमें भूख लग गई बहुत ज़्यादा, पर आज ना ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। काफ़ी मस्त रहा आज का दिन, तो चलते हैं आगे घर। सो गाइस, आ चुकी हूँ मैं घर दुकान से, सासू माँ सिलाई कर रहा। कैसे हो आप लोग? सोमवार है आज, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और देखो सासू माँ कितनी सुंदर बन के बैठी है यहाँ, देखो आज मैं सुंदर बन के बैठी हूँ। आज फास्ट नहीं रखा मैंने, रखा भाई यहाँ पे दीदी बैठी खड़ी हुई है अगले सोमवार से, है ना। और इसको देखो यहाँ पे। सो फाइनली गाइस, खाना वगैरह भी हो चुका है हमारा, बाकी अब करते हैं आराम। जी को देखो यहाँ पे फोन चला रहे हैं मस्त तरीके से, और मैं इनको ऐसे मार रही हूँ। तो गाइस ब्लॉग एंड करोगे? तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाएं, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो ये आईफोन की मेहनत बेकार चली जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय देव, जय उत्तराखंड, बाय। मेहंदी देखो कितनी डार्क लग चुकी है। मेरे पति देव देखो मुझे इतना प्यार करते हैं, और ये मेहंदी मैंने खुद अपने हाथों से लगाई थी।